मेरा करना है हिंदी जी तो हिंदी नहीं तो आखिरी पेपर में फेल हो जाएंगे। अभी अभी तक माया पेपर ले रही थी क्या? अभी तक माया पेपर ले रही थी। माया के पांच से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और पांच और सहयोगी से रहे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश पांच वो। तो अभी प्रकृति माता भी झाड़ू लेके खड़ी हुई है, वो भी परीक्षा लेगी। अगर परीक्षा लेने वाले दो दो हो गए, ये भाषा अगर नहीं आती होगी तो बाबा की वाणियों को गहराई तक नहीं समझ पाएंगे। सोचो बताओ, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें भगवान कौन और शैतान कौन है? भगवान का रूप कौन और शैतान का रूप कौन? न भगवान का पता न शैतान का पता है। तो भगवान का पता तो तब चले जब भी परीक्षा हो, फाइनल परीक्षा हो, उसमें पास होके दिखाए तभी तो पता चले। अभी तो सब कह रहे हमने पहचान लिया, हमने जान लिया, हमने जान लिया, हमने कोर्ट में निश्चय पत्र लिख करके दे दिया कि ये भगवान है। लेकिन जो कोर्ट में निश्चय पत्र लिख के दे दिया उसकी फाइनल परीक्षा हो गई, हो गई? अभी परीक्षा तो ही नहीं, फाइनल परीक्षा में पास हो जाए तब कहा जाए कि भगवान को भी पहचान लिया और शैतान को भी पहचान लिया। अच्छा रचयिता और रचना को पहचान लिया है? रचयिता कौन है और रचना कौन है उसको पहचान लिया है? शिव बाबा रचयिता, शिव बाबा रचयिता और रचना कौन? ब्रह्मा बाबा रचना। अच्छा इनमें मनुष्य कौन है और भगवान कौन है? भगवान शिव बाबा। और मनुष्य कौन है? ब्रह्मा बाबा। अच्छा तो मनुष्य माने नर, तो नर क्या बनाता है? नर। ये कैसे कुमारका दादी के सामने जाएगी? कुमारका दादी अभी जिंदा होके आ गई हॉस्पिटल से, है जिन सबके चेहरे आज खींच लिए। तो समझ के बताना, नर क्या बनाता है और भगवान क्या बनाता है? भगवान स्वर्ग बनाता है और नर, नर्क बनाने वाले को क्या कहा जाता है? शैतान माने रावण, और स्वर्ग बनाने वाले को कहा जाता है राम अथवा भगवान है। तो बड़े से बड़ा शैतान कौन हुआ फिर है? बड़े से बड़ा शैतान कौन हुआ है? देखो 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 कौन कौन बोल रहे अरे बोलते काहे नहीं, हिंदी बोलते नहीं। अरे कुछ है ऐसे जो हिंदी बोल जाते हैं लेकिन बात ना बोलते थे ना भाषा नहीं। अच्छा आनंद भाई क्लियर करो, इन लोगों को समझा नहीं क्या बात हो रही है? ठीक है दुनिया को छोड़ना है ना, इसलिए सन्यासी बनना है। बताओ इनको क्या बात क्या चल रही है?
क्या पूछ रहे हैं बाबा? मुरली में पूछ रहे हैं बाबा चेस्तर भगवंत एम चेस्ट स्वर्गा మరి నరకాన్ని ఎవరు చేస్తారు? మరి ఈ వీరు ఎవరు? భగవంతుడు ఎవరు? ఈ నరకాన్ని చేసేవారు ఎవరు అని समझ गए? आया बात समझ में आया? नहीं आया? अरे बड़े से बड़ा शैतान कौन और ऊंचे से ऊंचे भगवान कौन? चलो ठीक है, ऊंचे से ऊंचे भगवान शिव बाबा। अच्छा फिर ऊंचे से ऊंच शैतान कौन है? रावण के तो दस सिर है, उनमें कौन सा सिर है? उसके ऊपर कोई सिर नहीं है? उन पांच या दस सिरों के ऊपर कोई सिर नहीं है? कौन है? जय हनुमान। उसको कौन से रूप में दिखाया? आज बाबा ने गाली दी है, आज मुरली में गाली दी है। कौन सी गाली दी? गधा उल्लू पानी। गधा कौन से? पहला पहला गधा कौन हुआ? अरे वो गधा कौन जिसके ऊपर कपड़े डाले जाते हैं घाट पे ले जाने के लिए? धोबी कपड़े डालता है। हाँ, वो गधे को ले जाता है घाट पे, गधे के ऊपर कपड़े डाल के फिर वहाँ जाके धोता है। है हाँ। దక్షిణ భారతలో బాబా जो भगवान के बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपने बाप की भाषा नहीं समझते। अच्छा, जो बच्चे होते हैं घर परिवार में, जो भी बच्चे होते हैं अपने माँ बाप की भाषा जानते हैं कि नहीं जानते? जानते, वो तो वो घर में पैदा होकर उनका भाषा आ गया बचपन से। वो लौकिक बच्चे हैं, उसके बाहर का भाषा अभी नहीं सीखा, माने असल बाप का भाषा नहीं आया। अलौकिक बच्चे नहीं बने? बच्चे ने थोड़ा थोड़ा समझे, थोड़ा समझा बाबा। अलौकिक बच्चा थोड़ा 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 समझे, बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं? बड़े बच्चे हैं। बड़ा बच्चा घर परिवार में कोई बच्चा हो और बड़ा हो जाए और माँ बाप की भाषा न समझे और न बोल सके, बच्चा बड़ा हो जाए और माँ बाप की भाषा समझे भी नहीं और बोल भी नहीं सके, माँ बाप का भाषा आ जाता है घर से का, फिर भारत दुनिया में कैसा बात करते वो आ गया, घर का भाषा भारत का भाषा बोल बोल दुनिया में यही बात करते ना, तेलुगु आंध्रा में तेलुगु बात करिए, तमिलनाडु में तमिल बात करिए, कर्नाटक में कर्नाटक, तो सब बात करेंगे बोलिए आपका। वो थोड़ा पढ़े लिखे नहीं है आ जाए, थोड़ा पढ़े लिखे नहीं है ना, वो थोड़ा हिंदी आ जाए। मैं
अच्छा ये बताओ, जो माँ बाप की भाषा नहीं बोल पाते वो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं? जो माँ बाप की भाषा नहीं समझ पाते हैं, माँ बाप की भाषा नहीं बोल पाते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे होते हैं? छोटे बच्चे हैं। तो अभी जल्दी जल्दी बड़े बच्चे नहीं बनना है, जल्दी जल्दी बड़ा बच्चा बनना है कि नहीं बनना है? बचना इसके लिए नहीं आता ना, जितनी बोलते हैं कैसा सीखना बोलते हैं, जितना भी सीखो नहीं आता। क्लास करो रोज और रोज हिंदी सीखो, ऐसे नहीं क्लास छोड़ के बैठ जाओ। हिंदी में है बोल के सुना देते हैं, क्लास में कोई दूसरी भाषा नहीं बोलनी। क्लास में माँ बाप का घर है, क्लास करना माना माँ बाप के घर में गीता पाठशाला में बाप की भाषा बोलना, दूसरी भाषा बोलनी नहीं। अच्छा छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं और वहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, इंग्लिश ही बोली जाती है, हिंदी उर्दू दूसरी भाषा नहीं बोली जाती है ना। तो छोटे छोटे बच्चे जो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं वो एक दो साल के अंदर ही अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। तो आप भी पक्का कर लो, क्या अपने टीचर से पक्का कर लो कि हिंदी ही बोलनी है, क्या दूसरी भाषा नहीं बोलनी। हम तो एक दिन भेजे के बाबा तो हिंदी में बोल, हाँ हम तेलुगु में बाबा से बातें करो, हिंदी में बातें करो, तेलुगु में नहीं। और क्लास में आओ तो हिंदी बोलना है, दूसरी भाषा नहीं। जल्दी जल्दी बड़े बच्चे कर जाओगे बाबा, ठीक। अच्छा आता ही नहीं आती तो पूछना करना क्या है? ब्रह्मा का जो पाठ है अंत तक है, ब्रह्मा का पाठ व्यक्ति के कार्य में अंत तक मुदा हुआ है, मुदा हुआ है। तो जब वो जब बच्चा के रूप में पैदा हो जाएगा है, तो बच्चे के रूप में जब वो जन्म ले लेगा तो उसका क्या पाठ खत्म हो जाएगा? एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, आत्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हो गए है? जो ब्रह्मा है, कौन है ब्रह्मा, कौन सी आत्मा ब्रह्म है? दादा लेखराज वाली आत्मा मूल ब्रह्म है, है? कौन सी आत्मा मूल ब्रह्म है? आदि माता जो जगदम्बा ब्रह्मा है, ब्रह्मा की सोल कृष्ण के रूप में जन्म ले लेती है। एक, एक इनकी बात नहीं पूरी हुई, धीरज धर मनगा धीरज धर। इनका प्रश्न ये है कि ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है, है? तो
ब्रह्मा का पार्ट जब स्थापना के कार्य में अंत तक नुधा हुआ है तो ब्रह्मा होगा तब तो स्थापना होगी, ब्रह्मा होगा ही नहीं तो स्थापना कैसे होगी। तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया 69 में, तो ब्रह्मा है या नहीं है 69 के बाद? ब्रह्मा है बाबा, वो बोले ना कि भूत मतलब शरीर छोड़ के भी कार्य कर रहा है। दुनिया मानेगी? नहीं, अभी हम ब्राह्मणों में तो माना जा रहा है ना। कौन है? दादा लेख साहब का। तो ब्राह्मणों में माना जा, लेकिन दुनिया को भी तो मनवाना है। हमारा बच्चा के बाद जब वो शरीर ले लेगा, जन बच्चे के रूप में जन्म ले लेगा तब फिर बच्चे के रूप में ब्रह्मा, ब्रह्मा जिसको तुम कहते हो वो ब्रह्मा है मूल रूप में? मूल रूप में नहीं है। तो फिर बीच वाले को क्यों पकड़ा ब्रह्मा के रूप में? मूल रूप में जो ब्रह्मा है वो तो रुद्रमाला का मणका है, जो रुद्रमाला का मणका है वो सृष्टि के जो मुख्य बीज है उन दो बीजों में से एक है, और दोनों बीज अंत तक पार्ट बजाएंगे जब तक पूरी नई दुनिया की स्थापना नहीं हो जाती। 9,16,108 तो ब्रह्मा का पार्ट स्थापना के कार्य में अंत तक नुधा हुआ है, बीच में समाप्त नहीं हो सकता, पूरी स्थापना होनी है सतयुग की। 9,16,108 की पूरी स्थापना होगी, जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। विष्णु का जो पांच है वो जाए पांच ये है, उसमें दुर्योधन दुशासन कौन है और ये उनमें दुर्योधन दुशासन कौन है, वो पुरुष तन पाने वाले कौन है? है जो पुरुष तन पाने वाले हैं वो कौन है? ए, है? बोलो बोलो बोलते जाओ ना, दादा दादा नहीं बोलते, दादा लेखराज और प्रजापति। एक तो दादा लेखराज दाढ़ी मूछ वाला, और दूसरा शंकर को भी दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाते हैं और क्लीन शेव भी दिखाते हैं। माना वो एक पार्ट ऐसा है जो श्याम भी है और सुंदर भी है। दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए नहीं कहेंगे क्या? श्याम और सुंदर उनको क्या कहेंगे? शरीर छोड़ने तक भी उनको क्या कहेंगे? श्याम कहेंगे या सुंदर कहेंगे? बोलते गए नहीं, सुंदर। शरीर छोड़ने के बाद सुंदर हो गए? पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं रही? पढ़ने की दरकार है। फिर एडवांस तो ज्ञान था ही नहीं, मनन चिंतन मंथन का जो अमृत निकलता है वो तो निकला ही नहीं और शरीर छोड़ दिया, तो उनको श्याम कहेंगे या सुंदर कहेंगे? ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं दादा लेखराज के रूप में ब्रह्मा ने जो पार्ट बजाया वो है श्याम, और सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेगा तो होगा सुंदर। तो दो शरीरों को गायन है क्या? दो शरीरों का गायन है श्याम सुंदर, या एक शरीर का नाम है श्याम सुंदर? एक शरीर का नाम है श्याम सुंदर, वो कौन? प्रजापिता जो है, जब तक प्रजापिता है 500 करोड़ की सृष्टि का पिता है, जब तक 500 करोड़ की सृष्टि पावन नहीं बनती तब तक उनका पिता है प्रजापिता, और वो दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाएगा कैसा? श्याम। मुरली ने बोला ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर और कोई धर्म में धर्म पिता नहीं होता, इतना श्याम काले से काला और इतना सुंदर गोरे से गोरा पार्ट बजाने वाला और कोई नहीं हो सकता।
भयंकर से भयंकर पार्ट और प्यार से प्यार भरा हुआ ऐसा पार्ट जिसमें सुख ही सुख भरा हुआ हो, सुखदाता के रूप में माना जाता है, प्यार का सागर के रूप में माना जाता है। किसको? भगवान को कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है न कि मार का सागर है। मार के लिए धर्मराज को निमित्त बना दिया, ये मार का पार्ट बजाए, वो मेरा राइट हैंड है, मैं धर्मराज नहीं हूँ। कहीं बोला मैं धर्मराज हूँ? मैं धर्मराज नहीं हूँ, कौन धर्मराज है? मेरा राइट हैंड धर्मराज है। तो वो श्याम पार्ट भी बजाने वाला है और सुंदर पार्ट भी बजाने वाला है। तो दाढ़ी मूछ वाला कौन सा पार्ट हुआ? श्याम पार्ट हुआ। श्याम पार्ट माना क्लीन शेव नहीं बना, देवता नहीं बना, राक्षस है। क्योंकि जब तक राक्षसों का अंत नहीं होता है दुनिया में से, तब तक पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने वाले की जरूरत है। बच्चे इतना पाप नहीं कर सकते, बच्चे तो बच्चे हैं। जितना बाप पाप का पार्ट बजा सकता है, पापों का बाप, वो सारी शक्ति का बाप है ना, देवताओं का भी बाप है और राक्षसों का भी बाप है। तो इतने दुनिया में जो राक्षस फैले हुए हैं, ये सब बच्चे हैं ना, उन सब का बाप भी तो होना चाहिए जो उनको ठिकाने लगाए, तत्व प्रधान बनाए। तो वो बाप का पार्टी भी है, इसलिए काले ते काला है। लेकिन किसके लिए काला है? हैं? कालों के लिए महाकाल है और गोरों के लिए महागोरा है। सब के लिए काला नहीं है, ऐसे होता है दुनिया में। एक आत्मा, एक पार्ट बजाने वाली एक आत्मा कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है और वही आत्मा कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती है। अब बुरा है कि अच्छा है, क्या फैसला किया जाए? ऐसे ही है, देवताओं के लिए महादेव है और राक्षसों के लिए महाराक्षस है। इसलिए तुम्हारा प्रश्न पूरा हुआ? अभी तुम्हारा प्रश्न क्या था? कौन कौन है विष्णु में? हाँ, विष्णु के जो भुजाएं हैं, विष्णु में पार्ट बजाने वाले जो पार्ट धारी हैं, उनमें दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाने वाला कौन? और सीता द्रौपदी और पार्वती का पार्ट बजाने वाला कौन? अव्वल नंबर पार्वती का पार्ट बजाने वाला कौन? और अव्वल नंबर राक्षस का पार्ट बजाने वाला कौन है? वैष्णो देवी राक्षस का पार्ट बजाने वाली। भक्ति मार्ग में कहीं भी विष्णु को लड़ते नहीं, हाँ, खराब रूप में दिखाया ही नहीं गया है। विष्णु सदैव देवताओं को पक्ष देता है, हाँ। तो जो बड़े से बड़ा दुर्योधन कौन है? पांच भुजाओं में, पांच भुजाएं नहीं कहेंगे, चार भुजाएं और एक उनको चलाने वाला,
तो चलाने वाला तो बाईं ओर की भुजाओं को भी चलाने वाला है और दाईं ओर की भुजाओं को भी चलाने वाला है, वो तो दोनों का बाप हो गया, उसकी तो बात ही निकल गई। वो तो राक्षसों बाईं ओर की भुजाओं, राक्षसों का भी बाप और देवताओं का भी बाप, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। अब रह गई चार भुजाएं, चार भुजाओं में दुर्योधन दुशासन अब्बल नंबर का कौन और अब्बल नंबर की पार्वती कौन, द्रौपदी कौन, सीता कौन? दो सीताएं दिखाई गई रामायण में, एक सीता से कहा, ओरिजिनल सीता से कहा, तुम पावक में करो निवासा जब तक जब लगे रह करो निशाचरनाशा, तुम पावक माना योगाग्नि, तुम योगाग्नि में निवास करो तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ। उसको तो योग में बैठा दिया, योगाग्नि में, कौन से सन में बैठा ही दिया है? अरे कभी शूटिंग पीरियड में बैठाया होगा ना, कुछ बातें प्रैक्टिकल हैं ना, कि ऐसे ही झूठी बातें हैं। हाँ 76 से पहले ही बैठाई दिया, तुम योगाग्नि में निवास करो तब तक मैं इन निशाचरों का नाश करता हूँ। एक सीता तो वो हो गई अब्बल नंबर सीता, और दूसरी सीता सोने की मूर्ति बना के रख दी, ऐसे पंच तत्वों की मूर्ति, क्या पंच तत्वों की मूर्ति बना करके रख दी, और उस मूर्ति को रावण उठा ले गया। प्रैक्टिकल बातें हैं या झूठी बातें हैं? प्रैक्टिकल बातें। एक कैसेट भी चली है सीता रावण की जेल में, क्या एडवांस में एक कैसेट चली है, सीता इस समय कहाँ है, किसके अंदर में है? सीता रावण की जेल में है। तो कौन सी सीता रावण की जेल में है, अब्बल नंबर या दूसरे नंबर की? दूसरे नंबर की सीता रावण की जेल में। हाँ तो बात हो रही थी भुजाओं की, वो लेफ्टेस्ट भुजाएं कौन जो दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाती हैं, और राइटियस भुजाएं कौन जो राइटियस काम ही करती हैं, लेफ्टेस्ट काम नहीं करती। है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, लक्ष्मी धन बांटते हैं। हाँ लक्ष्मी धन बांटती है और जगदम्बा जाओ, जगदम्बा धारण करती है, तो जो धारण करे और एक जो बांटे। कोई कोई विद्वान आचार्य होते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं, उनसे विद्वता में कोई जीत नहीं सकता, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल होते हैं। ऐसे ही इन भुजाओं में भी ज्ञान का धारण करने वाली शक्ति कौन, जो धारण बहुत करती है ज्ञान रत्नों को। बड़ी बड़ी दीदी दादियां मुकाबला नहीं कर सकती क्या, एडवांस के भी बड़े बड़े महारथी थरथराते हैं। और प्रैक्टिकल में बाप की सहयोगी कितना बन पाती नई दुनिया स्थापन करने में, नई दुनिया की यूनिटी बनाने में कितना सहयोगी बनती है? सहयोगी बनती है या विरोधी बनती है? है
बाप की सहयोगी बनती है या माया रावण की सहयोगी बनती है? है? अरे रावण के कितने मुख? 10 मुख। 5 मुख माया के, रावण के पुरुष मुख, और 5 मुख स्त्री मुख। उनमें मंदोदरी किनको कहा गया? मंद उदर पेट वाली, मंद बुद्धि। कौन से सिर हैं? काम क्रोध लोह मोह अहंकार या पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश? पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ये जड़त तो है। जड़त्वमयी बुद्धि है, मंद उदर वाले हैं। मुरली वाला, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। जिन्होंने सबसे ज्यादा साथ निभाया, सबसे ज्यादा संग किया, सबसे जास्ती मिलन मेला मनाया, क्या चाहे विजयमाला हो और चाहे रुद्रमाला हो, इतना मिलन मेला और किसी ने नहीं मनाया। कितना साथ किया होगा, कितना संग किया होगा। ऐसे मेरे साथ रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान पाते, तो उन्हें मंद बुद्धि कहे या तीव्र बुद्धि कहे? हो गए ना मंद बुद्धि, मंदोदरी। आखिरी रावण का ही साथ दिया ना, राम का तो साथ नहीं दिया ना। और अव्यक्त वाणी में अभी बोल भी दिया, क्या बोला? बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दे दी है ना, माना नई दुनिया बनी है, अभी नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया रुद्रमाला के अंदर। भले संपन्न दुनिया नहीं बनी है स्वर्ग की, लेकिन फाउंडेशन पड़ गया। जैसे फाउंडेशन डाला जाता है तो जमीन खोदी जाती है ना, जमीन खोदते हैं और उसके अंदर पत्थर डालते हैं। तो जो फाउंडेशन में पत्थर या ईंटें डाली जाती हैं वो दिखाई पड़ती हैं, नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे ही अभी भी चाहे रुद्रमाला हो, एडवांस पार्टी हो, और चाहे विजयमाला हो या बेसिक पार्टी हो, कोई को भी वो फाउंडेशन नई दुनिया का दिखाई नहीं पड़ रहा है। अष्टदेवों से तो बात ही की है कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है ना, उसमें आना जाना करते हो ना, तो वो यूनिटी किसने बनाई? रावण की जेल में रहने वाली सीता ने बनाई, ये बनाने वाले कोई और हैं? नई दुनिया की यूनिटी प्योरिटी के आधार पर किसने बनाई होगी? अब्बल में सीता है, दिखाई पड़ रही है कहीं? है ऐसे ही बोल दिया। अब विजयमाला की शुरुआत हो गई, फिर विजयमाला के लिए बताया कि विजयमाला की हेड वैष्णो देवी तब प्रत्यक्ष होगी, तीसरी मूर्ति, जब 3.5-4 साल पूरे हो जाए, अंतराल का पीरियड। जैसे पहली मूर्ति ब्रह्मा, उसको प्रत्यक्ष होने के लिए 14-15 साल लगे, तब 51 में आकर के ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा, उससे पहले नहीं। ऐसे ही दूसरी मूर्ति कितने साल लगे? 7-8 साल लगे, तब 77 में संपूर्णता वर्ष हुआ।
तो दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में भी 7-8 साल लग गए, आधा टाइम लगा ना। तो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में भी कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? 2004 में तो शूटिंग पूरी हो गई, संकल्पों के आधार पर जो चलने वाली शूटिंग है वो टाइम पूरा हुआ। तो अंतराल का पीरियड आगे कितना होना चाहिए? 3-4 साल होना चाहिए। तो 3-4 साल कब पूरे होते हैं? 2008 में पूरे होते हैं। उससे पहले तो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने वाली नहीं। जब प्रत्यक्ष ही नहीं हुई है तो उसका नाम कहाँ से आ जाएगा? यूनिटी बनाने वालों में उसका नाम कहाँ से आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? वो तो चंद्रवंश से आती है। चंद्रवंश से ज्यादा पावरफुल है या सूर्यवंश से ज्यादा पावरफुल है? तो सूर्यवंश वाले जो मणके होंगे वो पहले फाउंडेशन डालेंगे नई दुनिया का, या चंद्रवंश ही डालेंगे? सूर्यवंश ही डालेंगे। तो नई दुनिया की यूनिटी बनाने में वो सीता नहीं हो सकती जो रावण की जेल में। जो खुद ही परपुरुष के अधीन है, उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है गीता का भगवान कृष्ण। कृष्ण की गीता से दुनिया नरक बनती है और शिव की गीता से दुनिया स्वर्ग बनती है। एक है शिव शंकर भोलेनाथ की गीता और एक है कृष्ण की गीता। कृष्ण की गीता के ऊपर, कृष्ण की गीता के दिल पर कृष्ण की छाप पड़ी हुई है और शिव शंकर भोलेनाथ की गीता के दिल पर किसकी छाप पड़ी हुई है? शिव शंकर भोलेनाथ की छाप पड़ी हुई है। तो दिल की बात दिखाई नहीं पड़ती है किसी को? दिखाई पड़ती है क्या? है दिल के अंदर क्या है कौन जाने? गुड़ जाने? गुड़ की गोत्री जाने? तो समाधान हुआ। विष्णु की कौन सी भुजाएं लेफ्टिस्ट हैं और कौन सी भुजाएं राइटिस्ट हैं? कौन सी भुजाएं दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाने वाली रही और कौन सी भुजाएं ब्रह्मा की ऐसी हैं, ब्रह्मा रूपी भुजाएं जो स्थापना का पार्ट बजाने वाली है? कोई स्थापना में विशेष सहयोगी, कोई विनाश में विशेष सहयोगी, कौन है? स्थापना में कौन विशेष सहयोगी? वैष्णो देवी। एक बात बाद में जो इन्होंने बात कही वो समझ में आ गई है? नहीं आ गई? ये बीच में छोड़ देना। हाँ बोलो। दो हुआ ना, दो तो हो गया थे। कौन कौन दो? एक अव्वल नंबर सीता और जगदम्बा। एक स्थापना का जी, एक और विनाश का। नंबर दो का माल कौन? नंबर वन का माल कौन है? नंबर दो अच्छा होता है, नंबर एक अच्छा होता है? नंबर एक अच्छा माना जाता है, नंबर दो का डुप्लीकेट माना जाता है। हाँ यज्ञ के आज में भी डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ था जिसकी यादगार अजमेर में दिखाई जाती है। दिखाई जाती है नहीं दिखाई जाती है? दिखाई जाती है ना, वहां पूजा नहीं होती है ब्रह्मा की?
मूर्तियां रखी हुई हैं लेकिन पूजा नहीं है। वहाँ के जो रहने वाले हैं देखने के लिए जाते हैं। हाँ, दूसरे लोग सिर्फ देखने लिए जाते हैं, दर्शन करने, लेकिन जो दूसरे जो वहाँ रहने वाले हैं पंडे पुजारी, वो ही उनकी पूजा करते हैं। जैसे माउंट आबू में रहने वाले हैं, जो भी रहने वाले हैं वो ही उसकी पूजा करते हैं ट्रांसलाइट के चित्र की। जो रहने वाले नहीं हैं वो उसकी पूजा भी नहीं करते। हाँ तो बताओ, कौन सी दो भुजाएं? दुर्योधन दुशासन के रूप में जो भुजा माने आत्मा, सहयोगी, कौन सी दो भुजा रूपी आत्माएं हैं जो दुर्योधन दुशासन के रूप में पाठ बजाती हैं? और कौन सी दो भुजाएं हैं जो सीता और पार्वती के रूप में पाठ बजाती हैं? किस रूप में? सीता ही बोल रही। है स्थापना और पालना के रूप में पाठ बजाने वाली, ओम राधे स्थापना के रूप में और वैष्णवी देवी पालना के रूप में पाठ बजाने वाली। हाँ जी, प्रश्न क्लियर हो गया? ये तो दो है ना। दुर्योधन तो शासन कौन, कौन सी आत्मा है? हैं? और सीता द्रौपदी कौन? बोलो तो, समझ में आया तो बोलो। सीता द्रौपदी ओमराधे और प्रसन्न चित्त बने रहो क्या? प्रसन्न चित्त भी तो हो। अरे जवाब मिल जाता है तो खुश हो जाती ना आत्मा। अब तो बताओ कौन कौन क्या क्या है? एक वैष्णवी और ओमराधे, सपना कार्य और पालना कार्य और विनाश कार्य में दो आत्मा सचवाए रहे बोलने में, जगदम्बा और दादा जी। जगदम्बा है तुम्हारी लेफ्ट से बोलिया ज्यादा सीखी। शिव बाप दादा मना। हाँ चैतन्य शिवालय मना बात एक है ना दादा। शिव बाप दादा मना शिव बाप दादा मना चैतन्य शिवालय मना बात एक है ना दादा। क्या पूछ रहे हैं, समझ में आया? बोल रहे हो कि शिव बाप, हाँ बाप दादा और चैतन्य शिवालय दोनों एक ही है, एक ही है क्या? चैतन्य शिवालय शिव बाप दादा दोनों एक है ना? शिव बाप दादा और चैतन्य शिवालय दोनों एक ही है क्या? जब शिव नाम जोड़ देते हैं तो बाप साबित ही हो जाता है। शिव कहेंगे तो बाप है ही है, और दादा किसके लिए बोल दिया? बाप दादा हैं कंबाइंड क्या, और माता पिता हैं अलग अलग। हाँ तो पूछ के आ रहे हैं, शिव बाप दादा? शिव बाप दादा मना चैतन्य शिवालय मना बात है। चैतन्य शिवालय बाप दादा मना चैतन्य शिवालय दोनों एक ही है ना? दोनों एक ही है, बस एक तन के द्वारा कंबाइंड पार्ट चल रहा है ना, तो एक ही हुए ना। जो अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया जाता है उसे एक कहेंगे या दो कहेंगे? एक ही कहेंगे। हाँ। संगमी जी प्रजापिता ब्रह्म मना पतित पावना सीताराम मना बात ही क्या? कल्पांत संगमन जी प्रजापिता ब्रह्म मना पतित पावना सीताराम मना बात ही क्या? कल्पांत संगमन जी प्रजापिता ब्रह्म। आप तेलुगु में बोलिए बाबा, ये बोल रहे हैं ना हिंदी में? ये हिंदी आपकी ये सही नहीं हिंदी। वही बोल रहे हैं कि संगम की प्रजापिता कल्पांत करी प्रजापिता ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा पतित पावना सीताराम बात एक ही है ना? प्रजापिता ब्रह्मा और सीताराम बोल रहे हैं दोनों एक ही है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा जो संगम का वो है जो पांच ब्रह्मा में से
बाप का पार्ट बन जाता है जो बीच वाला है। जब पतित पावन कहा जाता है पतितों को पावन बनाने वाला, तो सीता का नाम आगे है क्या, और राम का नाम पीछे है। पीछे क्यों, रुद्रमाला आगे या रुद्रमाला पीछे? रुद्रमाला आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए? शिव की माला है रुद्रमाला, और विष्णु की माला है विष्णु वाला, कौन सी ऊंची? रुद्रमाला ऊंची, और रुद्रमाला में राम है, रुद्रमाला में राम है, और विजय माला में आप बल नंबर सीता है। तो सीता का नाम पहले होना चाहिए या राम का नाम पहले होना चाहिए? है क्यों हाँ, राम की आत्मा जो पार्ट बजाती है वो विदेशी बाप का पार्ट बजाती है। बाप इस समय क्या बन के आया हुआ है? विदेशी बन करके आया हुआ है। अगर विदेशी बन करके ना आवे तो सबसे मिल भी नहीं सकता। इसलिए बाप है विदेशी और माता है स्वदेशी। इसलिए अव्यक्त वाणी में पहली में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। बाप सिर्फ नर मनुष्य में ही क्यों आते हैं? सवाल ये है पति तो पावन सीताराम में सीता का नाम पहले क्यों? हाँ, जब तक प्योरिटी नहीं है तब तक पतित पावन राम भी नहीं बन सकता, और राम की आत्मा तब तक पतित से पावन नहीं बन सकती जब तक उसको समान सहयोगी पुरुषार्थ ही नहीं मिलता। क्या हाँ, जो प्रवृत्ति मार्ग बनाने वाला साथी होना चाहिए वो समान पुरुषार्थ ही होना चाहिए या ऊपर नीचे होना चाहिए? हाँ, बोले थे कि भगवान से मनुष्य तन में ही आता है, मतलब तन में आता है, में आता है। हाँ। ये क्यों? बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण पुरुष तन में होती है या स्त्री चोले में होती है? स्त्री कितनी भी तीक्ष्ण बुद्धि वाली हो लेकिन उसे साथी चाहिए जिंदगी में, संरक्षक चाहिए इस दुनिया में। जो रावण राज्य की दुनिया है उसमें स्त्री चोले को कोई ना कोई छत्र छाया चाहिए, पति माना पाती रक्षा करने वाला चाहिए, इसलिए अधूरी है। और वही आत्मा दोबारा दूसरे जन्म में स्त्री चोला में भी प्रवेश करता है? वही आत्मा। कौन आत्मा? मतलब आत्मा पुरुष चोला में भी प्रवेश कर सकते है और स्त्री चोला में प्रवेश कर सकते। बाबा जब ये की बातें कुछ अंदर है वो तो बाहर आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अरे औरों को भी तो क्लियर होने दे, तुमने अंदर ही अंदर घुटोटा लिया। माना वो चोला का असर पड़ता है, वो चोला का असर नहीं पड़ेगा? संग का रंग चोले के द्वारा लगता है या आत्मा का डायरेक्ट संग का रंग लगता है? चोले के साथ लगता है। बाबा ये जो एक बोला की जैसे जैसे 18 के बाद आत्माएं बर्फ में दबेगी तो इसका बेहद में क्या अर्थ है? 18 के बाद बर्फ में दबेगी मतलब कंचन क्या है? बर्फ में दबने के बाद होगी। हाँ वो तो ठीक है, तो इसका बेहद में क्या अर्थ? बेहद में अर्थ क्या है? यहाँ जिन्होंने अपने संकल्पों रूपी खून को जाम कर लिया है पुरुषार्थी जीवन में, उनमें उनको अपना खून जाम करने की दरकार नहीं है बर्फ के अंदर। और जिन्होंने जाम नहीं कर पाया, अटैचमेंट कहीं ना कहीं रह गया, नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा नहीं बने, तो उनको कुछ ना कुछ सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? बर्फ में दबने का पीरियड
अगर जिसने संकल्प 18 से लेकर के 36 तक का सारा ही पीरियड हो गया ना। हाँ तो बाबा 18 से 36 तक ठीक है, जिसने संकल्पों का खून जाम कर लिया उसके लिए तो ठीक है, बस में नहीं दबेगा। और जिसका जिसने जाम नहीं किया उसका पीरियड 18 से ही शुरू हो जाएगा ब्रश में दबने का। बिल्कुल शुरू होगा, किसी का पहले किसी का बाद में, स्कूल में स्कूल बस में। हाँ जो 8 हैं वो अपने संकल्पों को कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, तो वो एक साथ होगा या नंबरवार होगा? नंबरवार होगा। ऐसे ही वो भी जो उन 8-9 धर्मों में आने वाली आत्माएं हैं दूसरे दूसरे धर्म की या दूसरे दूसरे धर्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है, वो सारी आत्माएं 8 × 4.5 लाख वो भी नंबरवार हैं। उनका टाइम अपना अपना नुदा हुआ है, मतलब 18 के बाद ही, 18 के बाद उनका अपना अपना नंबर है, अपना अपना टाइम है। और मिनिमम तो संगठन जाने पर दोनों योगदान जा सकते हैं, ये तो बात चले तो चलते मिनिमम संगठन के लिए। मिनिमम मधुबन कूड़े में है ना, हम दोनों योगदान एक बार जा सकते हैं तो एक ही जा सकते हैं। किसने मना किया ये सत्य क्यों पैदा हुआ? गीता पर चला मनाने के लिए एक ही रहना चाहिए, किसी को निमित्त बना के बैठा दो। कोई भी माता को निमित्त बना के बैठा दो घर में। योगल में भी ध्यान में रहने तो नहीं। मान लो माता चली गई, माता मिनी मधुबन चली गई जो यज्ञ की निमित्त माता है, और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, वो गीता पाठशाला में बैठे रहे, घर उन्हीं का है और माताएं कन्याएं आ रही है, अब उन्होंने कहीं दुर्योधन तो शासन पाना दिखाना शुरू कर दिया, तब है तब क्या करेंगे? जिम्मेवार कौन होगा? कौन जिम्मेवार होगा? है बोलो, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, समझ आ गया? अच्छा बाबा, वार्तालाप 79 में है, वार्तालाप नंबर 79 में है, जिस आत्मा में 1936 में से प्रवेश करता है, जिस पुरुष में जिस तन में 1936 में से प्रवेश करता है, उसी आत्मा में 76 में प्रवेश करता है, बाप के रूप में और टीचर के रूप में, तो उसे 76 में क्यों प्रवेश करता है? उससे पहले तो प्रवेशता हो जाता है, पहले प्रवेश हो जाता है, वो सिर्फ होता है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन का निमित्त बनाने के लिए। यज्ञ के आदि में ज्ञान संपूर्ण था या अपूर्ण था? ज्ञानी और भक्ति, भक्त ज्ञान और भक्ति, इन दोनों में स्त्री कौन है और पुरुष कौन है? भक्ति स्त्री है और ज्ञान पुरुष है। तो यज्ञ के आदि में संपूर्ण ज्ञान था या अधूरा ज्ञान था? तो अधूरे ज्ञान को भक्ति कहेंगे या पुरुष कहेंगे? बोला मुरली में ऐसे 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 बच्चे थे